अस्सलाम वालेकुम, मैं मसद फातिमा। आज आपके लिए देखिए खट्टी दाल बनाने का तरीका बताऊंगी। खट्टी दाल बनाना बहुत इजी और आसान रेसिपी है, ये तो हर किसी को ही आती है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी। खट्टी दाल बनाने के लिए देखिए हमने लिया है आधी छटाई इमली, एक कटोरी मसूर की दाल जो हमने आधा घंटा भिगा के रेडी रख ली है, 3 बड़े टमाटर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 4 से 5 हमने हरी मिर्च लिया है, हरा धनिया और करिया पत्ता। आइए हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे। एक कुकर में हम मसूर की दाल डालेंगे, टमाटे 3 बड़े साइज के टमाटे लिए हम, इसमें नमक अभी हम ऐड नहीं करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डालेंगे हरा धनिया और आधी गिलास पानी। ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे दाल जल्दी गल जाएंगी। ये देखिए आधी गिलास पानी, अब हम इसे 3 सीटी देंगे क्योंकि दाल ऑलरेडी गली हुई है, सॉरी दाल ऑलरेडी भिगी हुई है, इसीलिए हम 3 सीटी देंगे, जल्दी गल जाएंगी दाल। ये देखिए सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसे गैस पर रख देंगे 3 सीटी होने तक। ये देखिए दाल अच्छे से गल गई है, हमने धीमे पे से 3 सीटी दिया है, बहुत ही अच्छे से गल गई है दाल। अब हम इसमें डालेंगे ये देखिए 1 चम्मच नमक, हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए दाल को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, दाल अच्छे से मैश हो गई है। कभी भी हम जब खट्टी दाल बनाएंगे तो एक बात का ख्याल रखिए, उसमें टमाटे कभी भी दाल से थोड़ा एक और 2 टमाटे कभी बढ़ के डालिए, बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है, ये बात का ख्याल रखिए। अब हम इसमें खट्टा ऐड करेंगे, खट्टा आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक करिए, कुछ लोग खट्टा बहुत कम खाते हैं उस हिसाब से आप खट्टा ऐड कर लीजिए। ये देखिए खट्टा हम इसमें डाल दिए हैं। अगर 3 सीटी में अगर दाल नहीं गली तो आप बढ़ के 2 सीटी दे सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे करिया पत्ता, ये देखिए नमक, ये देखिए हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए गैस पर रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए दाल अच्छे से पक रही है, इसे हम इसी तरीके से 20 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे धीमे पे। हमने जो दाल गलाई थी 3 सीटी धीमे पे गलाई है, अगर दाल आपके पास 3 सीटी में नहीं गले तो आप ज़्यादा सीटी भी दे सकते हैं। ये देखिए हमने बघार के लिए लिया है 2 बड़े चम्मच तेल, बघार के लिए हम लेंगे ज़ीरा 1 चम्मच, हाफ चम्मच राई और 2 लहसुन, ये देखिए 4 लाल मिर्च, ये बघार के लिए लिए हैं हम। ये देखिए दाल भी अच्छे से पक गई है, ये देखिए अच्छे से पक गई है दाल। आइए हम अब बघार की तैयारी कर लेंगे। बघार के लिए हम देखिए एक पैन में हम तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसे सारी चीज़ ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे करिया पत्ता। बघार को हम अच्छे से पकाएंगे, ये देखिए बघार अच्छे से पक गया है, अब हम इसे दाल में डाल देंगे। देखिए हम सारा बघार दाल में डाल देंगे, देखिए दाल रेडी हो गई है, अच्छे से तैयार हो गई है। खट्टी दाल देखिए रेडी हो गई है, अच्छे से तैयार हो गई है। प्लीज़ आपको मेरे बनाने का तरीक़ा अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।